आप सभी को मेरे नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैन आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जिस चीज़ का आपको वेट रहता है वो चीज़ आने वाली है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है सुपर 100 बैच, ठीक है, उसके एडमिशन मैं ओपन कर रहा हूँ। सुपर 100 बैच के एडमिशन इस टाइम पे ओपन इसलिए किए जाते हैं, ऑल्दो सुपर 100 एक मेंस लेवल का बैच है, ठीक है, लेकिन स्टिल उसको मैं पहले ही ओपन कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मेंस आपका 3 महीने बाद है और आपने आज तैयारी करी और 2 महीने में आपकी तैयारी हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम रहता है अगर आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो वही छात्र इस कोर्स को लें जो छात्र समझते हैं कि हाँ उन्हें प्री में दिक्कत नहीं आएगी, प्री तो वो निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ, इस कोर्स के बारे में बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज है ये सारी, ये तो फिलर्स की तरह है कि सबसे ऑब्वियसली फुली अपडेटेड कंटेंट रहता है, कंसेप्ट क्लैरिटी पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। अप्रोचेज तो डायरेक्ट रिजल्ट जहां जहां पे रिक्वायर्ड होते हैं वहां वहां पे। मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये सब जो चीजें लिखी हुई है वो सब ठीक है। मेन पॉइंट होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड मेथड्स, उस चीज पे मेन फोकस रहता है मेरा, कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हो सकता है वो मेथड आपको लगे कि ये तो 1 मिनट का जा रहा है, ठीक है, इसको तो हम 10 सेकंड बचा सकते थे। कई बार माइंड में आता है लोगों के कि क्या इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट कर सकते हैं, बट वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती। प्रैक्टिकल अप्रोच मेरे को ऐसा लगता है एक टीचर का रोल ये रहता है कि वो ये बताए कि ये पर्टिकुलर अप्रोच एग्जाम में स्ट्राइक कर पाएगी, इस अप्रोच से आप एग्जाम में भी प्रेशर में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो सबसे मेन चीज होती है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी चीज है, लिमिटेड सीट्स रहती है और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे एडमिशन होता है। तो जैसे ही आप ये वीडियो देखें तभी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ टाइम के लिए खुलते हैं हर बारी और फिर बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। लाइव और बायलिंगुअल रहता है, ठीक है, मैं बोलता हिंदी में हूं जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बायलिंगुअल इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो क्वेश्चन रहते हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहते हैं, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन रहता है वो हिंदी में रहता है, कि अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो वो हिंदी में रहता है। जैसे कि ये यूट्यूब वीडियोज अगर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है कि आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा अगर आपको हिंदी कम आती है, तो अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो समझ में आ जाती है, जैसे शॉर्ट वीडियोज मैं बनाता हूँ, अगर वो समझ में आ जाती है तो आपको पूरा कोर्स भी समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो, वैसे ये सिर्फ एसएससी मेंस के लिए स्पेशली डिजाइंड है, लेकिन ये जितने भी चीजें लिखी हुई है, जितने भी ये एग्जाम के नाम है, इनमें भी काम आते हैं। स्पेशली सिर्फ मैं एसएससी को पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप रिसेंटली मुझे जानने लगे हैं तो मेरे सिर्फ 2 ही बैच आते हैं। एक स्पार्टन्स नाम का बैच आता है जो प्री टू मेंस लेवल रहता है, जिसके अंदर हम थोड़ा बेसिक से ज्यादा लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक से लेके चलते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी रहती हैं जो हम ये मान के चलते हैं बच्चों को बिल्कुल नहीं आता, जीरो, मतलब सामने बच्चे बैठे, बिल्कुल बच्चे नहीं बैठे, गधे बैठे, ठीक है। तो वो स्पार्टन्स बैच होता है। लेकिन जब सुपर 100, जब मैंने सुपर 100 डिजाइन किया, मतलब इसका कंसेप्ट ये है कि वो एस्पिरेंट्स जिनका स्कोर स्टक हो गया है उनके लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रियल स्ट्रगल जो है वो अभी से शुरू हो जाती है। आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस बार सीट सबसे ज्यादा होने वाली है एसएससी की हिस्ट्री में। इतनी ज्यादा नौकरी पहले कभी नहीं निकली है और ना आगे शायद निकल पाएंगी, पता नहीं, हो सकता है निकल पाए, बट बहुत ज्यादा पोस्ट निकलेंगी और एक नई पोस्ट भी इंट्रोड्यूस हुई है, आपको अगर पता हो, सीनियर टीए वाली। तो अप्रॉक्स 10,000 टीए, सीनियर टीए की पोस्ट वैकेंट है, तो लगभग मान के चलो 3-4 हजार तो वही आ जाएंगी ऐसा मुझे लगता है, बट श्योर नहीं हूं मैं, ठीक है। अब बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की, इस बैच की टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है। इस बैच की टारगेट ऑडियंस वो होती है जिसने एक बार सिलेबस कर रखा है, कि आपने एक बार सिलेबस कर रखा है, ठीक है। सिलेबस करने का मतलब है आप एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं, आप किसी भी एक्स वाई जेड टीचर से आप सिलेबस पढ़ चुके हो, नो इशू। लेकिन आपका स्कोर है एक तो वो, ठीक है, दूसरा आपका, आपको स्कोर करना नहीं आना, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका स्कोर नहीं आना, और स्कोर का मतलब एक एवरेज स्कोर नहीं होता,
एवरेज से क्या होता है, आप सिर्फ लिस्ट में आते हो, आप लास्ट में आपका सिलेक्शन नहीं रहेगा आप में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं एसएससी में इस टाइप के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो पिछले 3 साल से 4 साल से मेंस निकाल रहे हैं लेकिन उनके हाथ में जॉब नहीं आ रही, तो उनको भी पता है कि मार्क्स की कितनी ज्यादा अहमियत है। तो अगर आप उनमें से हैं कि जिसका स्कोर स्टक हो गया है, मान लो जैसे अगर आप बोल रहे हो आप 60% पे रुके हुए हो, आप 55% पे रुके हुए हो, आप 65% पे रुके हुए हो, 55 से नीचे नहीं, 50% है तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्पार्टन्स बना हुआ है क्योंकि आपने सिलेबस ही ढंग से नहीं किया। आपको लगता है कि आपने सिलेबस ढंग से किया बट आपने नहीं किया, क्योंकि जब सिलेबस कर लेते हो तो कम से कम आपका इतना स्कोर आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं इससे अबव वाले, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके 70% पे रुका हुआ है, किसी का 85% पे भी रुका हुआ है। तो जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे हिस्ट्री देखेंगे या पता करेंगे आप, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं जो ऑलरेडी 160 ला रहे थे, बट 160 लाने से भी, मतलब 80% लाने से भी उनको पता था कि सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने सीधा 295 मतलब अच्छा स्कोर किया जो भी है, वो अब बताने की जरूरत नहीं है, वो सब आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन रहता है। इसके अंदर मैं कंप्लीट सिलेबस नहीं कराता क्योंकि सिलेबस का फंडा नहीं रहता, सिलेबस मैं मेन चीज वो कराता हूँ जो मुझे लगता है कि ये चीज सबसे ज्यादा दिक्कत करती है। जैसे फॉर एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेट्स से मैंने बोला कि मुझे मान लीजिए एवरेज कराना है, ठीक है, या फिर आप मान लो कि मैंने अलजेब्रा कराना है, अलजेब्रा करा, तो एक टाइम पे अगर मैं अलजेब्रा करा रहा हूँ, मिक्स्ड सेट नहीं रहते, ठीक है, अलजेब्रा चल रहा है तो अलजेब्रा के ही वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं या फिर जो आते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर, और प्लस उनके साथ जो ट्विस्ट होता है कि प्रीवियस ईयर में ट्विस्टिंग वो चीजें कराई जाती हैं। मान लीजिए हमें पता है कि अलजेब्रा में एक पर्टिकुलर चीज है जो बच्चों को दिक्कत करती है, तो उस चीज पे फोकस किया जाता है। एक टाइम पे अलजेब्रा चल रहा है तो अलजेब्रा ही चलेगा। कई सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि मिक्स रहता है, मिक्स नहीं रहता, जब अलजेब्रा चल रहा है अलजेब्रा चलेगा, एवरेज चल रहा है एवरेज चलेगा, ठीक है। आपने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, सीआई चल रहा है वो चलेगा, तो इस हिसाब से चीजें रहती हैं, ठीक है। बाकी मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये सब चीजें ना टीचर की हेडअप होती है। सबसे बड़ी बात है कोई भी कोर्स लेने से पहले, आप मेरा लो किसी का भी लो, आपको उस टीचर पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ इस टीचर पे हम ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, इससे हमें फायदा होगा ही होगा। आपको पॉजिटिव रहकर कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप पहले से ही थोड़ा सा भी, अगर आपका आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो कोर्स नहीं लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। पहले आप अपने आप को पक्का करो, उसके बाद कोर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये रहती है सुपर हंड्रेड की, जो मैक्सिमम लोगों को, 99% लोगों को ये चीज बेस्ट लगती है, 1% लोगों को ये चीज खराब भी लग सकती है, ठीक है। बट आई डोंट केयर, अगर आपको खराब भी लग रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ये बेस्ट चीज है। कि क्लास की वैलिडिटी 72 आवर्स रहेगी, ठीक है। मैं ऑलरेडी कुछ ज्यादा वैलिडिटी देके भी ट्राई कर चुका हूं, बट ऑनलाइन कोर्स की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि बच्चे कोर्स लेना जानते हैं, खरीदना जानते हैं, खत्म करना नहीं जानते। तो हमारे पास सीधा सा फंडा है, ठीक है। मेरे कोर्स की ये यूएसपी है, आपको खराब लगती है कोई बात नहीं, वो आपकी हेडेक है, आपको जैसा फील करना है फील कर सकते हैं। बट मेरे कोर्स की ये खास बात ये है कि एक क्लास की वैलिडिटी 72 आवर्स रहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब क्लास हो जाएगी, आपने अगर लाइव देख ली तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइव के बाद उसको 2 घंटे बाद देख लो, 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उस दिन देख लो, अगले दिन देख लो, या फिर 3 दिन तक आप देख सकते हो। लेकिन 3 दिन, मान लो सपोज करो आपने क्लास देख ली, आपकी शादी है, ठीक है, आपको पता है कि आपकी शादी है, सपोज करो लेट्स, ठीक है, वैसे तो नौकरी के बिना होती नहीं है जल्दी से, बट बहुत सारे लोग हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3 दिन रहेंगे एक क्लास में, जैसे पहली क्लास है वो आपको 3 दिन में खत्म करनी है, दूसरी क्लास है उसकी भी वैलिडिटी क्लास डिलीवर होने के बाद 3 दिन तक रहेगी, 72 आवर्स तक। तो कोई हारी बीमारी है तो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई वैसे है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। 72 आवर्स रूल्स रहेगा, फिक्स रहता है, इस चीज के लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं रहते, ठीक है। हाँ, पीडीएफ वगैरह जो रहती है वो डाउनलोडेबल रहती है और आप ऐप पर 2022 फ्री तक एक्सेस कर सकते हो पीडीएफ्स। तो बेस्ट तो यही रहता है कि आप हैंड टू हैंड डाउनलोड कर लें, बट ठीक है। और क्या क्वेरीज आती है बच्चों की कि किस टाइप के सेशन रहते हैं? लाइव सेशन रहते हैं, ठीक है। लाइव सेशन का मतलब है कि मैं लाइव क्लास लेता हूँ, ठीक है, और
बेस्ट ये रहता है कि फिक्स टाइम रहता है, जैसे कि क्लास की टाइमिंग आपकी 11 बजे से 1 बजे तक रहेगी मंडे टू सैटरडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे रहती है सुपर हंड्रेड की क्लास पूरे 6 दिन। अप्रॉक्स ड्यूरेशन जो रहती है वो 120 घंटे के आसपास रहता है, ठीक है, कोर्स। प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड ऐप है सिर्फ हमारी, ठीक है, महंगी वाली ऐप अभी नहीं है, ये आप आईफोन पे या उस पे मैक पे चला पाओ, नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एक फीस वन डिवाइस पॉलिसी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या ये अमेजोन की तरह चलेगा कि हमने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया क्या और फोन में भी चलेगा, तो नहीं चलता, नहीं चलेगा, ठीक है। और ज्यादा वो छेड़खानी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। दूसरी बात, क्या ये किस किस चीज से एक्सेस हो सकता है, एंड्रॉइड फोन से हो सकता है, टैबलेट से हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों रहती है, पीडीएफ तो रहती है, प्रैक्टिस शीट भी बायलिंगुअल रहती है। क्लास के क्वेश्चन भी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, लेट से मैंने जो पढ़ाया उसकी भी मैं देता हूँ और ब्लैंक भी देता हूँ, ताकि भाई कई बच्चे क्या होते हैं वो ब्लैंक निकाल के, मतलब बहुत सारी चीजें वो बताई जाएंगी जब आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा क्वेरीज क्या रहती है, फीस की बात कर लेते हैं, 1999, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर ही इन्फॉर्म कर दिया था कि बिकॉज आपको पहले ही बता देते हैं हम, थोड़ा सा माइंड में रहता है कि फीस 1500 नहीं है इसकी, 2000 रुपए फीस है, ठीक है। 1999 फीस है, वन टाइम पेमेंट रहता है, नॉन रिफंडेबल रहती है, ठीक है। लास्ट डेट जो एनरोल है ये 15 है, इसके साथ स्टार बना हुआ है, उसकी वजह ये है क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती है। और आप खुद ही देख लो कि बाद में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 72 आवर्स रूल है, 72 आवर्स का रूल है। तो मान लीजिए कोई सोच रहा है कि मैं बाद में ले लूंगा, तो वो बाद में कैसे ले लेगा, जब वीडियो ही हट जाएंगी तो फायदा नहीं है उस चीज को लेने का, बाद में नहीं ले पाओगे, ठीक है। और कोर्स जो स्टार्ट होगा वो 16 तारीख से स्टार्ट होगा, 16 सितंबर, ठीक है। मैं अपने हिसाब से चलता हूं, जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो मोर देन इनफ है कोर्स के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो रहा है इधर उधर का, तो फिर बेकार है, मत लेना कोर्स, ठीक है। वो सारी मेरी हेडेक है कि मुझे क्या कराना है, पहला चैप्टर कौन सा कराना है, कौन सी चीज कैसे कराओगे, क्या नहीं कराओगे, ये सब बच्चे डाउट्स पूछते हैं, ठीक है। इस डाउट का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पेमेंट डिटेल आपको देखो, नंबर चेंज है, ध्यान से देख लेना कि आपको इस नंबर पर जिस पर आप क्वेरीज पूछते थे, इसी नंबर पर आपको यूपीआई कर देना है, चाहे आप फोन पे करें, गूगल पे करें, पेटीएम करें, यूपीआई कर देना 7982-1550, ठीक है। आप अगर नेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग की ये डिटेल्स है आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो जीएसटी नंबर ही आपके पर्पस के लिए नहीं है, ये वैसे ही डालना पड़ता है जब हो रहती है तो, ठीक है। उसके अलावा जब आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है, जैसे सपोज करो आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सारे ऐप पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है या फिर शेयर का ऑप्शन होता है, तो स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट इस तरीके से होना चाहिए कि उसके अंदर ट्रांजेक्शन आईडी हो, यूटीआर रेफरेंस नंबर हो, मतलब जो भी रेफरेंस, यूपीआई रेफरेंस नंबर वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब चीजें दिखनी चाहिए, डेट दिखनी चाहिए, वो सब दिखनी चाहिए, और इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। मैनुअल प्रोसेस है, हो सकता है 1 या 2 दिन में डायरेक्टली ऐप से भी खरीद पाओ, बट अभी तक उसमें कुछ इश्यू चल रहा है, जो भी है क्या, तो आप इस तरीके से खरीद लीजिए, ठीक है। हो सकता है तब तक एडमिशन ही बंद हो जाए, और उसके बाद आपको 15 सितंबर तक वेट करना है। आप पेमेंट करने के बाद कहीं सोचेंगे आपको तुरंत सामने इस नंबर पर जब आप मैसेज करोगे आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, नहीं आएगा रिप्लाई, ठीक है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट आप वेट करिए, 15 तारीख तक वेट करिए, 16 से क्लासेस स्टार्ट है, तब तक आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐप भी आपको खुद से डाउनलोड नहीं करनी कि आप बोलोगे नहीं मैंने तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर रखी है, नहीं, जरूरत नहीं है, आपको बताया जाएगा, क्योंकि एक अपडेटेड ऐप है, मैं उस पर पढ़ाऊंगा शायद, ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा, वो आपको इस चीज में आपका कोई वो नहीं है कि नहीं, अगर डाउनलोड कर भी रखिए कोई बात नहीं, रखे रखो, वो आपको बता देंगे सारी चीजें, ठीक है। प्रोसेस इन शॉर्ट, मेन चीज ये होती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ऑलरेडी ट्रस्ट रहता है और वो वेट ही कर रहे हैं इस चीज का, तो सबसे सिंपल प्रोसेस है कि आप पेमेंट करिए इस नंबर पर 7982-1550-93 पर, स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम व्हाट्सएप यूज नहीं करते, क्या हम किसी और का व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, उससे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, भेज दो, क्या किसी और से पेमेंट करा सकते हैं, करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे से मतलब है, हमें पैसा आना चाहिए, बात खत्म। आपको आप पैसा चाहे किसी से भी लेके, आप चाहे अपनी महिला मित्र को बोले, आपकी महिला मित्र आपको खरीद के दे, या आपका पुरुष मित्र आपको खरीद के दे,
पिताजी खरीद के दे माता जी खरीद के दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात के एंड्रॉइड ऐप आपको फिर मिल जाएगी जो भी सारी प्रोसेस है, ठीक है। और बच्चों के मन में आ रहा होगा ये कब तक हम कंप्लीट करा देंगे, देखो सब कई लोग सोचते हैं ना कि आप कब तक करा दोगे, मेरा टारगेट है कि मैं प्री से पहले ही आपको करा दूंगा, इसीलिए ये सब चीजें लिखी हुई है, प्री से पहले ही आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो डेट है वो दिसंबर में आएगी और दिसंबर के एंड में आएगी, तो हमारे पास इनफ टाइम रहेगा, ठीक है, तो उस चीज की टेंशन मत लो, आप जब ले लेंगे तो फिर वो मेरी हेड है ना, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर व्हाट्सएप क्वेरीज, इसके अलावा भी कोई व्हाट्सएप क्वेरीज है, ठीक ठाक क्वेरीज है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, और अगर वैसे ही इररिलेवेंट क्वेरी है तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बस दैट्स इट, आई होप सारी क्वेरीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये 2020 के परफॉर्मर्स है, 2021 के परफॉर्मर्स की एक ये रिजल्ट की वीडियो चला देता हूँ। तो ये काफी बड़ी सी वीडियो है, ये देख लेना आप लोग, और ये अवेलेबल है ऑलरेडी YouTube पे। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो हमारे जो स्पार्टन्स और सुपर 100 के छात्र हैं वो आपकी मदद करेंगे। देखो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, आपके मन में डाउट कोई भी आ रहा है उस डाउट को मैं खुद ही क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आपको पता है कि आपके पास सुनहरा मौका है, सिलेक्शन इस बार चांसेस ज्यादा है, जान लगा सकते हो, लाइटली लेने वालों में से हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप मत लीजिए, ठीक है, हमें ऐसे बच्चे चाहिए भी नहीं, ठीक है। ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे कोर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, आप ले लीजिए वो, ठीक है। अगर आप कमांडो वाली जिंदगी, मतलब जैसे मैं बोलूँ उस हिसाब से आप सुन सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, फोड़ देंगे, जैसे हमारे जो हर बार बच्चे फोड़ते हैं वैसे आप उनमें से शामिल हो जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और बात माननी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले 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 ले।